फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द नाइट एंगल एंड द रोज, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश पोइट और प्ले राइट थे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नाइट एंगल एंड द रोज। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1888 में, और इसे रिपब्लिश करवाया गया था 1927 में। इसका थीम जो है वो है लव एंड सेक्रीफाइस। इसका मतलब ये है कि लव रिक्वायर्स सेक्रीफाइस। इसमें का जो एक कैरेक्टर है वो है स्टूडेंट, जिसका नाम नहीं दिया गया है। स्टोरी के एंड तक ये अननेम्ड रहता है। ये फिलोसॉफी स्टडी करता है, एंड ही इज ऑलवेज एंगेज इन हिज बुक्स। उसे जो कुछ भी ब्यूटी नज़र आती है वो सिर्फ अपने बुक्स में नज़र आती है। ही इज अ काइंड ऑफ अ फिलिस्टाइन पर्सन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर या आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे अप्रिशिएट करना नहीं आता है। तो ही इज अ समवॉट अ फिलिस्टाइन। और ये ऐसा यंग लड़का जो है वो प्यार में पड़ जाता है, लेकिन इसकी बिलेवर जो है, मतलब जिसे ये चाहता है, वो लड़की उससे कहती है कि शी वुड डांस विथ हिम इफ ही ब्रिंग्स हर रेड रोज। तो लेकिन पूरे गार्डन में के रेड रोज नहीं होता है, इसलिए ये जो लड़का होता है ये घास पर ही गार्डन में जो है वो लेट जाता है, रोते रहता है और बोलता है कि शी सेड दैट शी वुड डांस विथ मी इफ आई ब्रॉट हर रेड रोजेस। ही क्राइज बट इन ऑल माई गार्डन देर इज नो रेड रोज। तो ये जब वो बोलता है रोते रोते, तो उसी गार्डन में एक नाइटिंगेल होती है जो हमेशा वहाँ पे गाने गाते रहती है, मगर इस लड़के को जो वो उस नाइटिंगेल के सॉन्ग में कभी भी कोई ब्यूटी नजर नहीं आती है। ही इज इनकैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द लॉजिक ऑफ हिज डस्टी टेक्स्ट बुक्स, मतलब उसमें एक उसकी जो बुक्स है बड़ी बड़ी, उस जो डस्टी जिसमें डस्ट लगा हुआ है उसमें का लॉजिक तो इस बंदे को समझ में आता है, लेकिन ना तो इसे नाइटिंगेल के सॉन्ग में कोई ब्यूटी नज़र आती है और ना तो ये अपने इमोशंस को ठीक से हैंडल कर पा रहा है। लेकिन जो नाइटिंगेल होती है जो उस गार्डन में हमेशा गाना गाती है, वो इस बंदे को रोते हुए देखती है और इसका रोना सुनकर उसको लगता है कि ही इज अ ट्रू लवर, और वो डिसाइड करती है कि वो इस यंग बंदे की मदद करेगी। वो अपने पंख फहराती है और पूरे गार्डन में चक्कर लगाती है, देखती है कि कहीं रेड रोज मिलता है क्या, लेकिन उसे कहीं रेड रोज नज़र नहीं आता है। लेकिन उसे एक रोजेस का पौधा नज़र आता है। सबसे पहले वो पौधे के पास में जाती है और उससे कहती है कि आई जस्ट वॉन्ट वन रेड रोज, मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मीठा गीत जो है वो गाऊंगी, तुम मुझे बस एक रेड रोज दे दो। तो पौधा जवाब देता है कि मैं तुम्हें एक रोज तो दे सकता हूँ, लेकिन रेड रोज नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वाइट रोज दे सकता हूँ। तो नाइटिंगेल कहती है कि नहीं, मुझे तो रेड रोज ही चाहिए। तो वो पौधा कहता है कि फाउंटेन के पास में मेरा एक और भाई है, एक और रोजेस का पौधा है, तुम वहाँ जाके पूछो। नाइटिंगेल उड़ती हुई वहाँ पर जाती है, उस पौधे से कहती है कि मुझे एक रेड रोज चाहिए, मैं तुम्हें अपना सबसे मीठा गीत सुनाऊंगी। तो वो दूसरा पौधा कहता है कि मैं तुम्हें रोज तो दे सकता हूँ, लेकिन रेड रोज नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास में येलो रोजेस है। नाइटिंगेल कहती है कि मुझे तो रेड रोज चाहिए। तो फिर वो पौधा जो है वो तीसरे पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस विंडो के पास में एक रेड रोज का पौधा है। तो नाइटिंगेल उड़ती हुई वहाँ जाती है, उससे पूछती है। तो वो रेड रोजेस वाला पौधा कहता है कि मैं तुम्हें रेड रोज तो दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और ठंड के वजह से जो है मेरी सारी वेंस जो है वो लगभग डेड हो चुकी है, अभी मैं कोई भी फ्लावर जो है वो खिला नहीं पाऊँगा इस साल तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो नाइटिंगेल जो उससे इंसिस्ट करती है कि नहीं, मुझे तो रेड रोज चाहिए ही है, तुम कुछ भी करो लेकिन प्लीज़ मुझे एक रेड रोज दे दो, मैं तुम्हें अपने सबसे मीठे गीत सुनाऊंगी। तो वो पौधा कहता है कि एक रास्ता तो है, लेकिन छोड़ो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो वो नाइटिंगेल इंसिस्ट करती है कि चाहे जैसा भी रास्ता हो तो मुझे बताओ। तो ये जो पौधा है वो बोलता है कि उसके लिए तुम्हारे दिल के खून की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे लाइफ को तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ पल के लिए तो नाइटिंगेल सोच में पड़ जाती है। तब वो पौधा कहता है कि वो जो फ्लावर है वो बनेगा, इट इज़ बिल्ट इज़ आउट ऑफ म्यूजिक बाय मूनलाइट एंड स्टेन इट विथ योर ओन हार्ट्स ब्लड। वो जो रेड रोज का गुलाब खिलेगा, जिसका अभी सीजन नहीं है, वो खिलेगा तुम्हारे गीत से जो तुम चांदनी रात में गाओगे, और वो गाते वक्त जो है वो मेरे पौधे का एक कांटा जो है वो तुम्हारे दिल में चुभना चाहिए, उसमें से खून आना चाहिए, तो तुम्हें खून से सींचना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो रेड रोज जो वो तैयार होगा। तो इसके लिए उस नाइटिंगेल को क्या करना है कि द नाइटिंगेल्स ब्रेस्ट अगेंस्ट थॉर्न ऑल नाइट अंटिल द थॉर्न पियर्सेस हर हार्ट। नाइटिंगेल की जो नाइटिंगेल का जो सीना है उसका उसके अगेंस्ट में कांटा हमेशा चुभोया हुआ रहेगा पूरी रात, और जब तक कि वो कांटा पूरी तरीके से किसी के दिल में ना उतर जाए।
तो नाइटिंगेल सोचती कि एक्चुअली सौदा तो काफी मतलब महंगा है एक रेड रोज के लिए जो उसे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी है, लेकिन वो सोचती कि लव इज बेटर देन लाइफ एंड व्हाट इज द हार्ट ऑफ अ बर्ड कंपेयर टू द हार्ट ऑफ अ मैन। तो वो जो है वो तैयार हो जाती है उस सेक्रीफाइस के लिए नाइटिंगेल, और वो स्टूडेंट से जाके मिलती है कि अब तुम रोना छोड़ दो, तुम्हें एक रेड रोज जो है वो मिलने वाला है। वहाँ पर एक ओक ट्री भी होता है जहाँ पर ये नाइटिंगेल हमेशा बैठ के गाती रहती है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट से जाके मिलती है, उसे बताती है कि यू आर गोइंग टू गेट अ रेड रोज, लेकिन वो स्टूडेंट से कहती है कि बस तुम एक बात करना कि यू शुड बी ऑलवेज बी ट्रू टू योर लव, कि तुम्हारी जो ट्रू लव वाली जो ट्रू फीलिंग्स है ना, तुम इसे हमेशा बरकरार रखना। वो बस एक चीज़ उससे मांगती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पास में एक ओक ट्री होता है जहाँ पर हमेशा नाइटिंगेल बैठकर गाना गाती है। ये ओक ट्री को जब समझता है कि शी इज़ गोइंग टू सेक्रीफाइस हर लाइफ, तो नाइटिंगेल से कहता है कि तुम क्या मेरे पेड़ पर बैठकर एक लास्ट टाइम तुम्हारा सबसे मीठा गीत सुनाओगी। तो नाइटिंगेल जो है तैयार हो जाती है और अपना सबसे मीठा गीत वहाँ पर सुनाती है। उसके बाद में जैसे ही रात होती है तो नाइटिंगेल उठते हुए उस रेड रोज वाले पौधे के पास में पहुँच जाती है और वहाँ पर अपना गीत गाना शुरू कर देती है, लव सॉन्ग्स शी स्टार्ट्स टू सिंग। और उस रेड रोज का जो एक कांटा होता है वो उसके दिल में चुभोया हुआ रहता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे रात भी बहुत लंबी हो जाती है, चांद भी जैसे ढलने को तैयार नहीं होता है और वक्त जो है काफी लंबा लगता है, धीरे धीरे गुजर रहा है ऐसा लगता है। खैर नाइटिंगेल जो वो गाती रहती है, उसके दिल से जो खून निकलते रहता है और अल्टीमेटली जो है रात खत्म होती है और रेड रोज जो है वो तैयार हो जाता है। रेड रोज का पौधा जो है वो खुशी खुशी नाइटिंगेल से कहता है द फ्लावर इज रेडी, लेकिन ये बात सुनने के लिए द बर्ड जो है वो जिंदा नहीं होता है, द नाइटिंगेल इज डेड। खैर वो स्टूडेंट जो है वो जब उस रेड रोज को देखता है तो वो उसे प्लक करता है, और वो जो ऐसा बंदा है कि जिसे इस बुक्स के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो उस रेड रोज को तुरंत प्लक कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास में चला जाता है। वो जो उसकी बिलवड होती है वो अपने घर के दरवाजे पर ही बैठी होती है, वो भागते हुए जाता है उसके पास में और उसे वो रेड रोज देता है कि देखो मैं तुम्हारा रेड रोज लेकर आया। तो वो लड़की जो है वो उसका रेड रोज एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। वो कहती है कि इस ये जो उसका रेड रोज का जो कलर है ना वो मेरे ड्रेस से मैच नहीं होगा विच आई एम गोइंग टू वेयर इन द पार्टी। और वैसे भी जो प्रिंस ने उस सिटी के जहाँ पे ये स्टूडेंट रहता है वहाँ पे के प्रिंस ने जो है एक बड़ी सी पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की रहती है। तो ये लड़की बताती है कि उस प्रिंस के नेफी ने जो है वो मुझे महंगे महंगे ज्वेलरी दी है, तो वो उनके सामने ये रेड रोज तो कुछ भी नहीं है, सो आई कांट एक्सेप्ट इट। तो स्टूडेंट को बहुत शॉक लगता है, सोचता है कि कितनी बेशर्म लड़की है करके। तो द गर्ल रिफ्यूज टू टेक द रेड रोज, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे भरा बुरा बोलता है और वो सोचता है कि लव इज सच अ सिली थिंग। तो वो उस रेड रोज को जो गटर में फेंक देता है जिस पर से आते जाते लोग भी पास होते हैं, और वो सोचता है कि लव इज अ सिली थिंग, और वो उस फ्लावर को फेंक देता है जिसके लिए नाइटिंगेल इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। उस फ्लावर की कीमत ये लड़का नहीं समझ पाता है, उस लड़की ने तो नहीं समझा मगर इस लड़के को पता होता है कि फ्लावर कैसे आया है, बट स्टिल ही डजेंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द फ्लावर और उसे फेंक देता है। तो वो सोचता है द बॉय कैन नॉट अप्रिशिएट इट बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो इस स्टोरी का यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ये लड़का तो अपने बुक्स की दुनिया में वापस चला जाता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु नो मच बट अंडरस्टैंड लिटिल, कैन नॉट अप्रिशिएट ट्रू लव एंड ब्यूटी एंड पुट ऑल देयर फेथ इन प्रैक्टिकल थिंग्स इंस्टेंट। ये दुनिया कैसी, यहाँ पे के लोग कैसे हैं, जानने के लिए इनके पास में इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन ये एक्चुअल में इमोशंस को बहुत कम समझ पाते हैं और आसपास की जो ब्यूटी है उसे ये समझ नहीं पाते। अगर इमोशनल या प्रैक्टिकल थिंग्स में से किसी एक को चुनना है तो लोग अक्सर प्रैक्टिकल चीज़ों को चुनते हैं, जबकि इमोशनल चीज़ें उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, इमोशंस ही जो उनको हैप्पी कर सकती है, बट स्टिल ऑलवेज दे थिंक फॉर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कि इस लड़के ने किया, उस लड़की ने किया। इंस्टेड ऑफ चूजिंग द रेड रोज बिकॉज देर वर इमोशंस ऑफ दैट बॉय इन दैट रेड रोज, लेकिन वो लड़की जो है वो देखती नहीं है, शी चूजेज द ज्वेलरी। और ये लड़का भी जो है कि लड़की ने भले रिजेक्ट कर दिया मगर उस रेड रोज के लिए जो सेक्रीफाइस नाइटिंगेल ने किया था उसको ये भी जो है रिकोगनाइज नहीं कर पाता और ये भी उस रेड रोज को जो है वो फेंक देता है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द नाइटिंगेल का जो सेक्रीफाइस था वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टोरी जो खत्म होती है।
सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी. अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो.